नमस्कार दोस्तों, इस समय हम बनारस के रामनगर में हैं। रामनगर को हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पर रामनगर का किला है। जहाँ पे हम खड़े हैं इसके बगल में एक किला है। लाल बहादुर शास्त्री का घर भी यही पास में है। सामने आप लाल बहादुर शास्त्री की ये मूर्ति देख रहे हैं और इसी के बगल में पीछे लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री थे उनका घर है और अब उसको जो है एक स्मारक के रूप में सरकार ने यहाँ पर रख के छोड़ा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर इसलिए भी आए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत फेमस लस्सी की दुकान है, शिव प्रसाद लस्सी भंडार। ये जो आप देख रहे हैं ये रामनगर में है और पूरे देश भर और दुनिया भर से लोग यहाँ लस्सी पीने आते हैं। उनके मालिक है जो आज थोड़ा देर से उठे हैं। क्यों सर, आज देर कैसे हो गई तुमसे? इधर यार कैमरा में देखो, क्या नाम है आपका? आलोक मोहन। अच्छा ये बताइए, कब से दुकान चल रही है आपकी? कौन सी पीढ़ी है ये? तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी है, किसने खोला था इसको? दादाजी हमारे। क्या नाम था उनका? शिव प्रसाद, उन्हीं के नाम पे है। उन्हीं के नाम पे लस्सी की दुकान चल रही है जी। आपकी लस्सी में ऐसी क्या खासियत है, क्या करते हैं आपके लोग, आपके यहाँ ढेर सारे लोग ग्राहक के पूछ लीजिए। मैं उनसे तो पूछूंगा, बताइए खास क्या है। अब हमको क्या है? भैया है, भैया पूछ लीजिए। पानी किसका इस्तेमाल करते हैं? कोई पानी नहीं। अच्छा, सिर्फ लस्सी? सिर्फ लस्सी। कैसे जमाते हैं? दूध से, दूध से, भैंस का दूध है। और ये रबड़ी? वही रबड़ी, उसी से दूध से ही सब बनता है, जो भी है सब दूध का है। ओरिजिनल, कोई मिलावट? कोई मिलावट नहीं। मधुकर जी, मधुकर जी बताइए, मधुकर जी बताइए, आप तो यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, पूरा जीवन आपका यहीं बीता है जी। ये कब से देख रहे हैं इस दुकान को? जन्म के साथ ही, जब से हम लोग होश संभाले तब से इस लस्सी की दुकान को देख रहे हैं। आपके जो गेस्ट आते हैं आप उनके लिए लस्सी ले आना नहीं भूलते हैं? कई बार लस्सी तो बिना रामनगर की लस्सी काम चलता नहीं, चलता नहीं है। जो लोग रामनगर आते हैं उनकी अपेक्षा रहती है लस्सी पिलाइए, और किसी के यहाँ जाइए तो ये सोचते हैं कि लस्सी लेकर के आइए। लस्सी बहुत महत्वपूर्ण रामनगर के लिए। महत्वपूर्ण है ना, ये पहचान भी है। पहचान है। लेकिन यहाँ पे देखिए, हम देख रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी बगल में रहते हैं। जी जी, आप भी यहीं पीछे ही रहते हैं? भाग्यशाली हैं जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के बगल में हैं उनके पड़ोसी। आइए देखिए, पूछे कहाँ कहाँ से आए लोग। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं सर? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में हम रहते हैं मॉडल टाउन। मॉडल टाउन में रहते हैं। तो यहाँ रामनगर आके लस्सी पीने का कैसे कैसे पता चला कि मुझे यहाँ? बाजार में किसी ने बताया कि यार वहाँ पे बड़ी अच्छी लस्सी मिलती है। लस्सी लगी आपको? अच्छी लग रही है। अच्छी लगी। बनारस में क्या क्या घूमे आप? बनारस में काशी मंदिर में गए हैं और अपना पहले भी कभी बनारस आए थे? हाँ, एक बार आए थे, कभी 15 साल। कितना बदला है बनारस? काफी परिवर्तन है। अच्छी है लस्सी। बनारस शहर कैसा लगा? बनारस शहर भी अच्छा है। मोदी जी का काम यहाँ दिख रहा है? हाँ, मोदी जी का दिख रहा है। दिल्ली में क्या होने वाला? दिल्ली का वो बताएंगे। क्या होने वाला सर? आप तो लस्सी का बीजेपी है सर, लग रही है। अरे पूरा पूरा लग रहा है सर, बीजेपी आएगी। लोग तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए, बड़ा गलत हो गया। कहीं गलत नहीं यार, जैसे काम करेगा वैसे ही करेगा भाई, क्या करेगा, उल्टे काम और क्या। उल्टे का वहाँ मोदी की लहर है, पूरी पूरी लहर है। कांग्रेस के आने से कोई फायदा नहीं होगा? नहीं नहीं, आएगा तो मोदी। हम तो रामनगर से आए। रामनगर का क्या बदल? रामनगर में कुछ बदल तो वैसे ही है सब? बहुत चीज बदल गया साहब, बदल गया। इसमें कहना है? अच्छा, कहीं के नहीं है? कहीं के नहीं है, माहौल एकदम सब टाइट है। सब राहुल राहुल हो गया भैया, सब राहुल राहुल हो गया, राहुल मैं हो गया है। हाँ, अजय राय एकदम हिट हो गए, सुपर हिट हुआ एकदम। हाँ, चाप दिए कि चापने में कोई, अरे क्या इनके बात का कोई भरोसा है मोदी जी के? हाँ, किस बात पे मोदी जी को वोट देंगे लोग? हाँ देखिए, पूरा यहाँ रामनगर में पूरा गिर गया लोगों का मकान। मुआवजा यहाँ, मुआवजा तक नहीं मिला यहाँ लोगों का। नहीं है मुआवजा, मिला है मुझे, मिला है एक रोड पे मुआवजा नहीं मिला है एकदम। वो फर्जी है, वो साले फर्जी है जो लगा के बैठे हुए हैं, समझ गए ना? बहुत लोगों को पैसा मिला है, जब जब आपका कागज ही सही नहीं रहेगा, भाई भाई में लड़िएगा तो मुआवजा का लीजिएगा। ये कोई मतलब हुआ? देखो मोदी का जवाब देता, हम नहीं देते। मोदी का जवाब भी थोड़ी दे रहा है। नहीं नहीं, मुआवजा अब मोदी जी, मोदी जी का सब ये सब देना है ना, दबाव क्या? पूरा मंदिर तोड़वा के फेंकवा दिया, मोदी जी का क्या देना है? देखिए ये विचारधारा की लड़ाई है, खैर इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं आपको इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि रामनगर की लस्सी का कोई जवाब नहीं है, और यहाँ पे आइए तो लस्सी पी के जाइए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.